इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले यूकाल्मिन कैप्सूल के बारे में। यूकाल्मिन कैप्सूल का क्या यूज है, कब इसको यूज किया जाता है, कितने कुछ करता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज करने से आपको क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले गए और किस प्रकार काम करता है, उसका डोज डोसेंस कितना होना चाहिए। तो यूकाल्मिन कैप्सूल के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर वीडियो पर पहली बार विजिट किए, यहाँ पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं यूकाल्मिन कैप्सूल, जो कि हमारे पास 10 गोली का कैप्सूल है, जिसकी एमआरपी की बात करें तो इसकी एमआरपी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज जो हमारे पास कैप्सूल है उसकी एमआरपी 225.30 यानी कि 225 रुपये करीब इसकी एमआरपी है। यूकाल्मिन कैप्सूल को ज्वाइंट्रस हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। यूकाल्मिन कैप्सूल के अंदर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है कैसिट्रोल्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, मिथाइल कोबालामिन्स, फॉलिक एसिड्स, बोरोन एंड कैल्शियम कैप्सूल्स के अंदर डाले गए हैं। यूकाल्मिन कैप्सूल का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल गर्भावस्था और स्तनपान और पुरानी गठिया, रिकेट्स, गुर्दे की विफलता, ऑस्टियोपोरोसिस, वृद्धावस्था और तीव्र अवधि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूकाल्मिन कैप्सूल के अंदर जो कैल्सिट्रोल रहता है वो विटामिन डी का एक रूप है, जो कि कैल्शियम का अवशोषण करता है और कैल्शियम हड्डियों के विकास और विकास के लिए नेसेसरी और ये तेजी से अवशोषण और सुनिश्चित करता है। यूकाल्मिन कैप्सूल का इस्तेमाल आपकी हड्डियाँ यानी कि आपकी बोन्स वगैरह बहुत ही वीक है तो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यानी कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और बॉडी में इम्यूनिटी लेवल्स को इंक्रीज करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बॉडी में इम्यूनिटी बूस्टर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि यूकाल्मिन कैप्सूल को यूज़ करने से आपकी बॉडी में कैल्शियम्स और विटामिन D3 और फॉलिक एसिड की कुछ कमी रहेगी या फिर कुछ कैल्शियम्स की कुछ कमी रहेगी तो इसको यूज़ करने से वो दूर हो सकता है। यूकाल्मिन कैप्सूल ओवरऑल आपको हेल्थ को हेल्थी करके रखता है। यूकाल्मिन कैप्सूल का डोज डोसेंस की बात करें तो इसका डोज डोसेंस आपकी एज, वेट और कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है और वेट कितना, आपकी कंडीशंस कैसी है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका डोज डोसेंस कितना होना चाहिए। इसका डोज डोसेंस आफ्टर मिल सकता है यानी कि कैप्सूल को खाना खाने के बाद दिया जाता है। वे कैप्सूल का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। यूकाल्मिन कैप्सूल को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करिए, बाद में इस कैप्सूल का इस्तेमाल करिए। अपने मन से यूकाल्मिन कैप्सूल का इस्तेमाल कभी भी नहीं करिए। तो यूकाल्मिन कैप्सूल के बारे में कुछ भी डाउट हो नहीं कमेंट सेक्शन बताइए, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी है वहाँ पर बताइए। यूकाल्मिन कैप्सूल का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी कैप्सूल का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।